हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैलेंज स्पेस एजुकेशनल पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं बीएससी बीएचयू एग्रीकल्चर 2018 का क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस एग्जाम पेपर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले के भी वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा जो कि अपलोड कर दिया गया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग उसी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का 30 नंबर क्वेश्चन, NaCl KBr तथा KCl हेतु सीमाकारी ग्रामाणु चालकता ए एंगस्ट्रॉम क्रमशः 126, 152 एवं 155 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 है। तो सोडियम ब्रोमाइड हेतु NaBr हेतु एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है, इसका क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर 128। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक संरक्षी कोलाइड है? इसका राइट आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर 4, जिलेटिन। स्वर्ण संख्या इज इक्वल टू 0.005। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, P32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Al2O3 तथा Cr2O3 के विचरण की एंथैल्पी क्रमशः -1596 केल्विन है तथा -1134 केल्विन है। ये अभिक्रिया 2 एल्युमिनियम प्लस Cr2O3 एरो 2 क्रोमियम प्लस Al2O3 हेतु डेल्टा एच है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, -462 kJ किलो जूल। 500 ग्राम जल के 18 ग्राम ग्लूकोज अणु भार इज इक्वल टू 180 ग्राम मोल वाले विलयन की मोललता क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 0.2 मोल। त्रिज्या का सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका F इज स्मॉलर देन O2, O2 माइनस इज स्मॉलर देन N3 माइनस। नेक्स्ट 36 देखिए, यदि XY3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो X परमाणु क्रमांक स्मॉलर देन 21 द्वारा प्रयुक्त सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, SP2 हाइब्रिडाइज्ड। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर 3, O2 माइनस। नेक्स्ट, हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का सही क्रम है ऑप्शन नंबर 2, Cl इज ग्रेटर देन F इज ग्रेटर देन Br, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन एंड O2 माइनस आर रिस्पेक्टिवली ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कक्षकों के अतिव्यापन ओवरलैप के प्रति कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, एक PX दूसरे PY के साथ सिग्मा बॉन्ड देते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक लेविस छाड़ी व गुड़ वाला है, कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, NH3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप्स? 42 का होगा ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? इनमें से सबसे क्षारीय कौन सा है? 43 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्यूटाइल अमीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 2, स्टार्च। एनिलीन है, एनिलीन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार का विखंडन होता है? तो ऑप्शन 2, ये यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है, समांश विखंडन। नेक्स्ट, वेन कैल्शियम एसिटेट इज डिस्टिल्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, जब कैल्शियम एसिटेट को डिस्टिल्ड किया जाता है तो यह क्या देता है? इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एसीटोन। ओके, फॉर्मेलिन है ऑप्शन नंबर 1, HCHO। कौन सबसे आसानी से नाभिक स्नेही संयोजन कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है? इसका भी राइट आंसर होगा HCHO। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग सेक्शन नंबर 3 देखेंगे जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है, सेक्शन 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि किसी मात्रक पद्धति में लंबाई मात्रा और समय के मात्रक क्रमशः 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम और 0.1 सेंटीमीटर है। इस पद्धति में बल के मात्रक का समतुल्य है ऑप्शन नंबर 4, 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरामावस्था से एक पत्थर को एक स्तंभ के शिखर से पृथ्वी पर गिराया जाता है, ठीक है, तो कितने सेकेंड में पत्थर द्वारा चली गई दूरी है? प्रति
A stone at rest at the top of a lower is dropped on the ground. The distance traveled by the stone in the last second is taking g is equal to 10^m meter per second square. Ye value diya gaya hai g ka. Iska right answer hoga 52 ka students. Option number 2, 25 meter. एक कण 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 8 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से चल रहा है, इसका त्वरण है. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 160 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट, एक 0.5 घर्षण गुणांक वाले खुरदुरे क्षैतिज मेज पर रखे 10 किलोग्राम के एक ठोस टुकड़े पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल कार्य कर रहा है. यदि जी का उस स्थान पर मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ठोस पिंड का त्वरण होगा ऑप्शन नंबर 2 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. बराबर गतिज ऊर्जा के दो कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, उनके रैखिक संवेगों का अनुपात है ऑप्शन नंबर थर्ड अंडर रूट m1 इज टू अंडर रूट m2. नेक्स्ट, एक गोलाकार केंद्र किसी मेज पर बिना फिसले लुढ़कता है, इसके घूर्णन का संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात है ऑप्शन नंबर 3 2/7. r त्रिज्या की किसी की कक्षा में किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल टी है. 16 आर त्रिज्या की कक्षा में इसका परिभ्रमण काल क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 64 टी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किसी कोशिका नली में कोई द्रव ऊपर चढ़ता है, यदि स्पर्श कोण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यून कोण. एक कॉर्नो इंजन 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10^4 जूल ऊर्जा अवशोषित करता है. इंजन तापमानों 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है. इंजन द्वारा कृत कार्य है 59 का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2000 जूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वाई इज इक्वल टू 3 साइन कॉट प्लस 4 कॉस कॉट. सरल आवर्त गति में जहां y सेंटीमीटर में है तो आयाम क्या होगा स्टूडेंट्स. 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की उत्पत्ति होती है ऑप्शन नंबर 4 पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से. नेक्स्ट, किसी आवेश q से बराबर दूरी पर जो दो एक समान आवेश q सीधी रेखा में रखे हैं, तीनों आवेशों के संतुलन के लिए q आवेश होगा 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 q/4. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किसी सुपर अति चालक की चालकता होगी 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अनंत होगी. किसी सुपर अति द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर हम वीडियो को यहीं पर हम रोक रहे हैं और इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये हेल्प हो सके इस वीडियो से. तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.